Konnichiwa. Yo, yo, yo! Element of this. 1037 is here, baby. More like 1037 के English scans are here, baby. मैं late हो गया, sorry, घर में issues. मेरा opinion देने वाला है मैं 1037 पे इस video में. उससे पहले जल्दी से Bilibili comic को निपटा देता है मैं. Bilibili comic एक ad-free, खर्चे-free comics website है जहाँ पे बहुत सारा comics जिनका art बहुत ज़्यादा मस्त है available है. इस website का app भी है जो कि तुमको Play Store में मिल जाएगा, free में download कर सकते हो. Description and pinned comment में link मिल जाएगा, check कर सकते हो. And ये लगा दिया मैंने intro, let's begin. क्या मुझे चैप्टर 1037 पसंद आया? आंसर है हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम ही ज़्यादा. आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर में तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर और राइट नाउ मेरे सेकंड फेवरेट एंटैगनिस्ट के फाइट को दिखाया है. बिग मम इज स्टिल माय फेवरेट एंटैगनिस्ट, तो मज़ा तो आना ही था. प्लस दिस वॉज नॉट एट ऑल आई एक्सपेक्टेड. मैंने इस हद तक लूफी काइडो का फाइट जाएगा सोचा नहीं था. एंड ये वाला चैप्टर 1035 से तो बहुत बेटर है, 1036 से भी. लेकिन ये वाले चैप्टर से भी 1035 जैसे बहुत सारे थ्योरीज बनेंगे. वैसे थ्योरीज की बात हो रही है तो देर इज अ प्ले लिस्ट ऑफ थ्योरीज इन माई चैनल, उसको देख सकती हो एक बार, बहुत सारे थ्योरीज मिल जाएंगे उधर. अभी लेटेस्ट वाला और साबो वाला इज माई बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी. एंड हाँ, इस चैप्टर का सिर्फ एक ही चीज़ मेरे को बेकार लगा, दैट इज़ इट इज़ मैंशनड कि नेक्स्ट वीक भी ब्रेक है. अच्छा नहीं लग रहा यार, बट वेल मे बी ये दो हफ्ते में मैं कोई सेक्सी थ्योरी सोच लूँ रिगार्डिंग चैप्टर 1037. वेल चैप्टर का स्टार्ट हुआ है फ्लावर कैपिटल के साथ. फ्लावर कैपिटल पे जो वानो कोनी के लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे वो ख़त्म होते हुए दिखा है, विच मीन्स कि जल्द ही सुबह होने वाला है और ओनिगाशिमा के वॉर को लगभग 5-6 घंटे हो गए होंगे चालू हुए शायद से. और इसके बाद सीधा रूफटॉप फाइट दिखा अपने को बिटवीन लूफी एंड काइडो. मेरे को एक चीज़ बताना, काइडो को ऊपर में दारू कहाँ से मिला भाई? भाई मतलब क्या बोलेगा, काइडो अपने ह्यूमन फॉर्म में गट गट दारू पीते हुए दिखा है. अब जापानीज के चौमदे लोग उसको बोलेंगे कि ब्रो वो दारू नहीं साके है, मैं तो दारू ही बोलेगा. काइडो के दारू पीने को देख के लूफी ऑब्वियसली उसको चिल्ला के बोल दिया कि तू दारू क्यों पी रहा है बे, जिस पे काइडो का रिएक्शन भाई नहीं बोलना मेरे को. लूफी ने ना एक्चुअली वो बोला जो कि बहुत लोग पॉइंट आउट करते ही, अगर काइडो नशे में हारेगा ना तो सब बोलेंगे इंक्लूडिंग मी एंड यू कि लूफी काइडो को प्लॉट आर्मर के साथ साथ इसलिए भी हरा पाया क्योंकि काइडो नशे में टुल है. इसी वजह से जब लूफी ने बोला ना कि तू इसको अपना एक्सक्यूज तो नहीं बनाएगा ना काइडो, मतलब तेरे दारू पीने को, मेरे को ऐसा लगा कि ये लूफी ने सब ऑडियंस को बोला है. एंड बॉय देवड़ा काइडो इज एक्चुअली डेंजरस देन नॉर्मी काइडो, एकदम अनप्रिडिक्टेबल बाजी. ऑल्सो काइडो का लाइन यार, यू फॉकिंग इडियट गेट इट ड्रंक डजेंट मेक मी वीकर, आई रिकॉग्नाइज यू आर स्ट्रॉन्ग. एक टॉप टीयर की तरफ से ये रिकॉग्नाइज वाली चीज सुन के मेरे को तो गूजबम्स आया. और रहा एक और काइडो का लाइन, इट्स बीन अ वाइल्ड सिंस आई फाइट एनीवन 1v1 सीरियसली. डज दैट मीन कि काइडो ने रिसेंटली में किसी ना किसी से सीरियसली फाइट कर रखा है या फिर इसका वाइल मतलब ओडे नहीं है? बट मुझे जितना याद है शैंक्स ने काइडो को मरीन फोर्ट में आने से रोका था. अब तुमको मुझको सबको पता है कि शैंक्स काइडो को नहीं हराया था, ना ही शैंक्स काइडो से हारा था, मतलब हाँ. बट अगर तुमको याद होगा चैप्टर 1001 में तो काइडो 5 लोगों को याद करता है हु हैव द पावर टू फाइट हिम, उसमें से एक शैंक्स भी था. तो शैंक्स के साथ बिना लड़े उसको कैसे पता चला कि शैंक्स इज केपेबल इनफ टू फाइट अगेंस्ट हिम और डिफीट हिम? मे बी क्योंकि शैंक्स और काइडो थोड़े टाइम तक इक्वली लड़े, जैसे बिग मॉम काइडो लड़े थे, दैट इज़ व्हेन काइडो गॉट द आइडिया ऑफ शैंक्स पावर. उसके बाद शैंक्स ने कुछ नेगोशिएशन बाजी किया और काइडो चल दिया. क्या नेगोशिएशन, इस थ्योरी वीडियो में मैंने बता रखा है, तुम देख सकते हो. लेट्स कम बैक टू लूफी वर्सेस काइडो. ठीक है भाई, मेरे को और एक चीज़ जो कि एकदम चैप्टर का बेकार लगा, दैट इज़ लूफी ने अपना केप क्यों निकाला बे, मतलब इतना सेक्सी दिख रहा है भाई वो केप में, बट निकाल दिया. अब मेरे को पता है ठीक है कि अब वो कंफर्टेबल होके फाइट करेगा ऐसा वैसा, बट केप वॉज लुकिंग डोप यार. एनीवेज बेवड़ा काइडो लूफी को मारा भाई इस चैप्टर में भी कॉन्करर साकी इन्फ्यूज्ड कानाबो से. नाउ इफ़ यू रिमेंबर पिछले चैप्टर में मेरे को वो चीज़ अच्छा नहीं लगा था कि लूफी जिस अटैक से KO हो गया था, KO मतलब नॉक्ड आउट, अभी उसी को हलवे की तरह डायरेक्टली टैंक कर रहा है. बट ये चीज़ फिर से इस चैप्टर में हुआ है.
अब मल्टीपल टाइम्स दिख गया है तो आई गेस कि देर इज़ अ टेक्निक बिहाइंड इट. ओडा इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, बट फिर भी यार लूफी इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग टू फास्ट. बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना. अब बहुत लोग ना ये सोचते हैं कि कॉन्करर साकी को इन्फ्यूज़ करके एज अ डिफेंस भी यूज़ किया जा सकता है. यही करके टॉप टीयर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग अटैक्स को हलवे की तरह टैंक कर देते हैं. देखो मुझे भी लगता है कि हाउशो के इन्फ्यूजन से सामने वाले के अटैक्स के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ ब्लैक लाइटनिंग्स. टॉप टीयर्स अगर इन्फ्यूजन करके अटैक्स को टैंक कर पाते तो उनके बॉडी से ऑल द टाइम या फिर वाइल्ड टैंकिंग ब्लैक लाइटनिंग्स क्यों नहीं निकलता है. जिसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि टॉप टीयर सिर्फ ओकेजनली ही हाउशो को इन्फ्यूजन यूज़ करते हैं. आई थिंक कि सिर्फ एक लूफी, जोरो, यामाटो जैसे के अगेंस्ट ही टॉप टीयर्स, जिसका मतलब काइडो, बिग मूम, वाइट बिट, सैंक्स, रॉजर जैसे लोग हैं, ठीक है, ये लोग हाउशो को इन्फ्यूजन यूज़ करते हैं डिफेंस के वॉर्म में, ताकि ये खुद को सामने वाले के इन्फ्यूज अटैक से डिफेंस कर पाए. और रही बात की क्यों लूफी के अटैक्स फिर ब्रूक के अटैक्स बिग मॉम काइडो पे वर्क नहीं किए थे, आंसर इज सिंपल, क्योंकि वो लोग का स्किन बहुत स्ट्रांग है और वो लोग उस टाइम इन्फ्यूजन नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके बॉडी से ब्लैक लाइटनिंग नहीं निकल रहा था. और अभी लूफी और काइडो दोनों ही इन्फ्यूजन यूज कर रहे हैं फॉर ऑफेंस एज वेल एज डिफेंस. बस फर्क ये है कि दोनों इतने सही टाइमिंग पे अटैक डिफेंड कर रहे हैं ना कि देख के पता नहीं चल रहा कि डिफेंस में भी इन्फ्यूजन यूज हो रहा है कि नहीं. वेल दिस वॉज ऑल माई थ्योरी, ठीक है, बट दिस जस्टिफाइज द फैक्ट कि लूफी कैसे काइडो के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक्स, जिससे भाई वो के हो गया था भाई, लिटरली के हो, वो भी एक बार नहीं दो बार, उनको अभी टैंक कर पा रहे हैं ईजिली भाई, और उसके बाद उठ भी जा रहा है भाई वो बंदा. एनी वेज काइडो के शायद से पीरियड्स चल रहे हैं, क्योंकि भाई दारू पीने के बाद भी इतने मूड स्विंग्स आना इज स्ट्रेंज. कभी लौंडा, वेट, ओनी, ठीक है, ओनी, हाँ, ओनी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गुस्से में, ह्यूमन से हाइब्रिड में जा रहा है, फिर तुरंत ड्रैगन फॉर्म में, फिर वापस हाइब्रिड में आ रहा है, भाई एकदम मूड स्विंग बाजी हो रही है. वैसे बॉय लूफी ने जो इन्फ्यूज्ड किक मारा काइडो के मुंह पे, क्या क्या ड्रॉ किया है यार ओडा ने इस पैनल को. नाउ दिस इज एक्चुअली अ मास्टरपीस पैनल इन टर्म्स ऑफ ड्रॉइंग. क्या दिख रहा है वे. वेल कंसीडरिंग कि लूफी ने काइडो को मारा है, काइडो वाई अपने तुरंत पूछ से ही पकड़ लिया लूफी के पैर को, एंड बॉय एक ही चैप्टर में दूसरा क्रेजी पैनल, द इन्फ्यूज्ड हेडबट क्लैश बिटवीन टू मॉन्स्टर्स. लूफी क्या मरी हालत में दिख रहा है भाई. ऑल्सो आई लाइक कि कैसे अभी भी ओडा यही बता रहे हैं कि काइडो इज स्ट्रॉन्गर देन लूफी. हेडबट के बाद बेचारा फेंका ही गया यार काइडो के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से. एंड बॉय एक और आग पैनल, ये तो भाई पूरा एक पेज खाया है भाई. लूफी का गोमू गोमू नो रॉक गैटलिंग इन्फ्यूज वाला अगेंस्ट काइडो का गुंदारी रियोसेगन, उफ इन्फ्यूज वाला वो भी, डैम दिस पेज यार. और दोनों ही मल्टीपल अटैक्स खाते खाते मार भी रहे हैं. वेट, इज इट जस्ट मी जिसको लग रहा है कि इस चैप्टर में ओडा ने बाकी चैप्टर से बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, क्योंकि लूफीज किक ऑन काइडोज बेली इज लुकिंग क्रेजी टू. भाई क्या दिख रहा है यार ये लूफी वर्सेस काइडो का फाइट. और ये सीन के बाद लूफी काइडो से सीन सीधा मैरी जॉइस में, मैरी जोआ बोलते हैं पता नहीं क्यों लोग, बट मैं मैरी जॉइस ही बोलेगा, मैरी जोआ बोल लेता है मैं, मैरी जोआ में शिफ्ट हुआ है, विच इज़ वे सरप्राइजिंग. पैंजिया कैसल जहाँ पे गोरोसे चाय बिस्कुट खाते हुए दिखते रहते हैं बीच बीच में अपने को, उसी को दिखाया गया है. एंड गोरोसे आर डिस्कसिंग अबाउट कैसे ये वानों का बैटल इतना लंबा चल दिया है. ऑल्सो रेवरी को कर्स बोला है एक गोरोसे ने, विच माइट रिफर टू द एबॉलिशन ऑफ द वारलॉर्ड सिस्टम. अभी के टाइम पे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भी वानों को अपना मेन प्रायोरिटी बना लिया है, और जब ओनिगाशिमा वॉर खत्म होगा ना पूरी दुनिया में ये वॉर बहुत बड़े वॉर के नाम से जाना जाएगा, मे बी बिगर देन मरीन फोर्ट टू, विच इज वॉट ओडा सेड वंस, राइट, कि ये वाला वॉर विल बी बिगर देन मरीन फोर्ट वॉर. बट ऐसा कुछ अभी तक मेजर इवेंट हुआ नहीं है. जैसे मरीन फोर्ट वॉर में एक योंकू का फॉल और एक योंकू कैंडिडेट का राइस, प्लस रॉजर के लीनियज का खात्मा एंड द न्यू पायरेट एरा, ये सब की वजह से मरीन फोर्ट वॉज मे बी द बिगेस्ट वॉर वी एवर सीन इन वन पीस, राइट. तो अगर वानो वॉर को उससे भी बड़ा इम्पैक्ट वन पीस वर्ल्ड और हम लोग पे डालना है, तो उसके लिए काइडो और बिग मॉम के डिफीट जो कि नियरली इम्पॉसिबल अभी भी, उसके अलावा भी कुछ क्रेजी डेट्स चाहिए ही. मैं तो बोलता भाई कि अकाज़ियाज़ ही मार डालो भाई, भाई मर जाए भाई, वो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी कम है तो देर आर अदर ऑप्शंस लाइक ईसो, मार्को, जुनिशा. और ये चीज़ पे ना गोरोसे ने भी बात किया है कि काइडो बिग मॉम लड़ रहे हैं तो ये अननेचुरल नहीं होगा अगर कोई मर जाएगा, इसलिए इस वॉर में अपने को कैसे भी करके निको रॉबिन को मारने का है. किसी को क्या ही पता चलेगा, है ना. देखो कोई मर जाएगा चलेगा, लेकिन मेरी रॉबिन
लॉल वही मतलब गोरो से वो कोई समझाओ यार, मेन हीरो के क्रू की है वो, अभी थोड़ी मरेगी, उसके साथ ओड़ा है भाई, बट किसी ना किसी को मरना एक्चुअली में चाहिए, ठीक है, थोड़ा इमोशनल करो ओड़ा सर हम लोग को, ओतामा को मार दो मस्त, बताओ भाई 4-5 कितने भी साल की जो भी वो बच्ची है भाई, गलत सीन, सब नॉर्मल लोग रो देंगे उसके डेथ को देख के भाई मैं कैसे कैसे बातें कर रहा हूँ यार। एनीवेज वापस चैप्टर पे आते हैं, मेरे को ना गोरोसे का इरेज कर देना इसको, उसको जो बोलते हैं ना वो लोग, मेरे को हमेशा से वो सस लगता था, और इस चैप्टर में भी रॉबिन को इरेज कर दो ही बोला है गोरोसे ने। और उसके बाद उनको कॉल आता है फ्रॉम दी गाइस जो कि वानो जा रहे थे इन दी बैटल शिप, उनको एक बड़ा सा शेडो दिखता है एंड दे रिपोर्टेड टू गोरोसे। बड़ी मूछ वाला गोरोसे इस शेडो के बारे में सुन के बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो फ्रूट अपने लिए भी लेजेंड है, सालों से वो फ्रूट अवेकन ही नहीं हुआ है। हाँ स्ट्रेंज, जिसको सुन के अमिताभ बच्चन जैसे दिखने वाला गोरो से बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उस फ्रूट को दूसरा नाम क्यों दिया, मतलब असली नाम छुपा के अलग नाम क्यों दिया। नोट की वी स्टिल डोंट नो कि ये लोग क्या फ्रूट, कौन से फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड द लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, द रीजन इज दे वॉन्टेड टू इरेज द ओरिजिनल नेम ऑफ फ्रूट फ्रॉम हिस्ट्री, ये गोरो से बोलता है, ठीक है। एंड गाइस दिस वॉज एक्चुअली आई नेवर एक्सपेक्टेड एट ऑल, वही मतलब सुनेशा ए के ए दी बड़ी हाथी, और आई शुड से हथनी, हथनी बोलते ना हाथी की फीमेल वर्जन को, आ गई है वानू, शी इज इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट वॉरशिप्स, एंड बूम इस खतरनाक क्लिफ हैंगर के साथ ये चैप्टर हुआ है ख़त्म। और जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगला वीक ब्रेक है। पहले तो वापस से बात करते हैं लूफी काइडो के फाइट का, ठीक है। द फाइट इज लुकिंग ऑसम, जबरदस्त लग रहा है। इस चैप्टर के फाइट सीन्स को देख के मैं इतना बोल सकता है कि एक वीक ब्रेक वॉज वर्थ इट। ओडा ने इस पर्टिकुलर चैप्टर को ड्रॉ करने में अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ किया, मेरे को ऐसा लग रहा है, पता है, मतलब बहुत बहुत सुंदर लग रहा है यार ये चैप्टर। ऑल्सो ये चैप्टर में एक बहुत अच्छी चीज़ की वजह से ये चैप्टर मेरे को प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा, दैट इज़ कि लूफी इतना यंग होकर भी काइडो से लड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे पहले सीखे एबिलिटी से लूफी उस बंदे से लड़ पा रहा है जो कि लूफी के पैदा होने से पहले ओडेन को सेम एबिलिटी से वन शॉट किया था। ये पूरा अजीब लगता है ना कि लूफी इतना यंग होकर अभी अभी सीखे वाले से भाई उस बंदे से लड़ पा रहा है। बट हियर इज़ द थिंग कि इस चैप्टर में लूफी ने काइडो को एक बार भी डोमिनेट नहीं किया है, एंड दैट इज़ द केस फॉर दिस होल फाइट। ऐसे तो लूफी ने बहुत मारा है काइडो को, बट काइडो इन अ स्ट्रॉन्गर वे उसको डिफेंड कर रहा है, और अभी वी कैन सी कि इट इज़ लूफी जो कि काइडो से इक्वल रहने की कोशिश कर रहा है, और थ्रू आउट दिस फाइट बार बार अपने को ओडा बता रहा है कि काइडो इज स्टिल स्ट्रॉन्गर देन लूफी। इतने कंडीशंस अप्लाई होने के बाद भी काइडो ही स्ट्रॉन्ग है, विच ऑल्सो टेल्स अस कि लूफी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, एंड आई एम लाइकिंग दिस थिंग, क्योंकि जोरो और किंग जैसा इनका फाइट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ना ही सांजी क्वीन जैसा। और हाँ, जो लोग बोल रहे थे ना कि दोनों के फाइट में प्रॉब्लम क्या था, तेरे को लूफी ज़्यादा पसंद है करके तेरे को ये फाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है लूफी काइडो का, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में लास्ट में लूफी ने काइडो को पेट में मारा ना, राइट। अब सोचो अगले चैप्टर में काइडो इज डिफीटेड, ये दिखा दिया ओडा ने, तब क्या बोलोगे बताना ज़रा, क्योंकि काइडो लूफी का फाइट तो सांची क्वीन से पहले से चल रहा है ना, तो काइडो का लूफी से अभी हार जाना इज ओके, राइट। रॉन्ग भाई, ऐसा कुछ हुआ ना तो लगेगा कि इतना जल्दी क्यों हार गया भाई काइडो। और अगर अगले चैप्टर में काइडो लूफी को कुत्ते की तरह मारे, लेकिन उसके अगले चैप्टर में लूफी काइडो को हलवे की तरह हरा दे, तब कैसा लगेगा। हाँ, तो वही चीज़ हुआ है जोरो किंग के फाइट में, आई होप ऐसा कुछ ना हो इस फाइट के साथ, और अगर कुछ हुआ ना इस फाइट के साथ तो मैं बोल देगा भाई, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई 4 टेस्टी मफिन है उसके बाद एक गोबर है तो सब खा लूँगा और फिर बोलूँगा टेस्टी है, पक भाई मफिन का अप्रिसिएशन करेंगे हम और गोबर का क्रिटिसिज्म ही बोलते ना, नहीं गोबर को बोलेंगे वो टट्टी है। एंड द फाइनल जुनेशा वर्ल्ड गवर्नमेंट गोरो से शिट, जुनेशा का अचानक से वानों में आना सरप्राइजिंग, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग। अब इट माइट बी पॉसिबल कि लूफी ने जो वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स से मोमो को बोला था कि काइडो को हराऊंगा ऐसा वैसा, वो चीज़ जुनेशा भी सुन ली किसी वे में और आ गई यहाँ बचाने वालों को, बट दिस इज़ टू सिंपल, पता है। लेकिन इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में एक और चीज़ आया, मतलब जुनेशा को देखने के बाद, दैट इज़ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जुनेशा खुद से सुन के नहीं बल्कि किसी और ने जुनेशा को वानों तक लाया है। मे बी देर इज अनदर कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम लूफी एंड मोमो जो कि वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स की हेल्प से जुनेशा से बात कर सकता है, और उसी के कहने पे शायद जुनेशा वानो आ गई विथ हिम और हर। इस चैप्टर में तो बस जुनेशा का शैडो ही दिखा है, तो वी कांट से कि उसके साथ कोई है कि नहीं, बट इट माइट बी पॉसिबल कि उसके साथ कोई हो। और हाँ, जुनेशा का वानों में आने का मतलब ये भी हुआ ना कि सारे मिंक्स भी वानों में आ गए हैं,
डज दैट मीन कि अब बाकी मिंग्स भी ये वॉर में घुसने वाले हैं? दिस विल एक्चुअली बी गुड, क्योंकि अगर सामुराइज लोग जीत भी गए तो बिग मॉम पायरेट्स का आना भी बाकी है, तो मे बी मिंग्स उनको बिजी रख सकते हैं, या फिर क्या पता मिंग्स को मैमथ मीट खाने का मन कर रहा होगा इसलिए वो आ गए. यू नो राइट कि मैमथ के साथ क्या सीन हुआ है उनका, एकदम जैक बाची करेंगे सब. Also, the Gorosis thing about the fruit awakening and all, I literally have no idea about this. दो हफ्ते हैं तो कुछ थ्योरी सोचने की कोशिश करता है मैं, लेकिन कुछ इंटेलिजेंट लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि रेडिट स्पॉयलर्स रीड करने के बाद उनको लग रहा था कि गोरोसिस लूफी के फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं एंड उसी के फ्रूट का असली नाम कुछ और है. ऊपर से ये इंस्टाग्राम के फैक्ट्स वाले भाई वो पेज भाई लैंडी लोग हैं भाई, ये सब लोग ना अनपढ़ गवार लोग हैं, पता है कुछ भी फैक्ट्स बनाते हैं यार. बना दिया इस पे भी कि लूफी के फ्रूट का नाम चेंज किया है ऐसा वैसा, उसको देख के लूफी फैंस हॉर्नी हो जा रहे हैं अजीब सब, पता नहीं भाई चिड़ मचता मेरे को वैसे स्टैंस से. वैसे गोरोसे का एक जाइंट शैडो के बारे में सुन के एक फ्रूट के बारे में बात करना, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि गोरोसे जुनेशा के बारे में नहीं बल्कि किसी और जाइंट चीज़ जो कि इनको लगा कि वानो आ गया है उसके बारे में बात कर रहे हो. जॉय बॉय क्या पता. एंड फ्रूट का अवेकनिंग के बारे में सुन के लग रहा है कि जो कोई भी फ्रूट के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं वो शायद से जुआन फ्रूट है, क्योंकि उसी के अवेकनिंग में बहुत बड़े हो जाते हैं. एग्जांपल है चॉपर जिसका मॉन्स्टर फॉर्म मोस्ट लाइकली उसका अवेकनिंग फॉर्म ही है, तो मे बी सम मिथिकल जुआन फ्रूट इज वॉट गोरोसिस आर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट चैप्टर आई गेस इसी जुनेशा वाले चीज़ पर फोकस करेगा. लूफी काइडो के फाइट को भी दिखा सकते हैं, लूफी के ऊपर जल्दी वीडियो लाने वाला है मैं, फ्यूचर में क्या सीन हो सकता है उसके साथ एंड ऑल. वैसे मेरे को बिग मॉम वाले फाइट को भी देखने का है एंड आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दी डेविल फ्रूट गोरोसे आर टॉकिंग अबाउट. इसके साथ ये एक्सप्लेन डिस्कशन ओपिनियन रिव्यू जो भी है वो होता है खत्म. तुम इंटेलिजेंट लोग हो, डिस्क्रिप्शन चेक करने नहीं बोलूंगा तो भी तुम करोगे ही है ना, करोगे ना, करना. दैट्स इट, थैंक्स फॉर द थ्योरी वीडियो. मैं एक स्पेशल चीज़ के लिए बचा के रखा है, ठीक है. वैसे वो कन्फर्म नहीं अभी तक स्पेशल चीज़, बट बचा के रखा है मैं. ऐसा मत सोचना कि नहीं आएगा वो थ्योरी, जानबूझ के नहीं ला रहा, ठीक है. और अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी, तो बाय बाय सायोनारा. इस पैनल में काइडो जिम्बे ऐसा क्यों दिख रहा है बे?